वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जन्म। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जो है वो गैमेट वर्ड से बना है, ये दो वर्ड से बना है, गैमेट और जेनेसिस। गैमेट का मतलब होता है युग्मक और जेनेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज का निर्माण होना, किसी भी चीज का बनना। ठीक है, तो यहां पर कौन सा चीज बन रहा है? गैमेट। गैमेट नाम है ना, तो गैमेट का निर्माण हो रहा है उसी को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं युग्मक जन्म। ठीक है, तो चलिए अब डेफिनेशन समझते हैं। गैमेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट मेल एंड फीमेल, ध्यान समझिएगा, मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। एकदम सिंपल डेफिनेशन है, ऐसा डेफिनेशन है जो कोई भी याद कर लेगा, एक बार में उसको समझ में आ जाएगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है चाहे हिंदी मीडियम का, कोई भी एक बच्चा भी समझ लेगा। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट मतलब कि फॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण हो रहा है गैमेट का। कौन सा गैमेट, कैसा गैमेट? तो मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इसका एक एग्जांपल है स्पर्म, मेल में होता है। स्पर्म को हिंदी में हम लोग कहते हैं शुक्राणु, जो कि मेल में पाया जाता है, लड़का लोग में पाया जाता है। ठीक है, और ओवम, ओवम को हिंदी कहते हैं हम लोग अंडाणु, जो कि फीमेल में पाया जाता है यानी कि लड़कियों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये स्पर्म और ओवम जो है यही गैमेट है और इसी का जब निर्माण होता है उसी को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब टाइप्स कितना होता है गैमेटोजेनेसिस का, ये समझते हैं। तो दो टाइप्स का होता है गैमेटोजेनेसिस। पहला को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शुक्राणु निर्माण या शुक्राणु जन्म, एक ही चीज है, शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। और दूसरा जो है वो ओजेनेसिस, इसको हम लोग कहते हैं अंडाणु निर्माण। मतलब कि गैमेटोजेनेसिस का दो टाइप, पहला को स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा को ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को हिंदी में कहते हैं हम लोग शुक्राणु निर्माण, ठीक है, और ओजेनेसिस को हिंदी में कहते हैं अंडाणु निर्माण। हिंदी और इंग्लिश दोनों समझना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम का, दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो दोनों मीडियम का जानकारी रखे, एटलीस्ट जो टर्म है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझे, ताकि उसे बाद में या फ्यूचर में कभी भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का डेफिनेशन क्या होता है, ओजेनेसिस का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जन्म, ठीक है, या शुक्राणु निर्माण, एक ही चीज है। इसका डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल, ये ध्यान देना यहां पे, मेल यानी कि लड़का लोग, इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कैसा प्रोसेस है भाई, वैसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, किसमें होता है, मेल में होता है, मेल, ठीक है, मेल यानी कि बॉय लोग में होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया बॉय, माने कि लड़का लोग, है ना, जो लड़का मेल है, और क्या चीज निर्माण हो रहा है, स्पर्म निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे आता है ओजेनेसिस। ओजेनेसिस को हिंदी में हम लोग कहते हैं अंडाणु जनन। क्या है भाई, इसका डेफिनेशन समझिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल इज कॉल्ड ओजेनेसिस। इसका एग्जांपल है गर्ल, गर्ल यानी कि लड़की, लड़कियों में क्या चीज का निर्माण होता है, ओवम का, और यही जो है ओवम, ये ओवम के निर्माण होने के प्रोसेस को, फॉर्मेशन होने के प्रोसेस को, है ना, बनने के प्रोसेस को हम लोग ओजेनेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे एक चार्ट भी बनाया हुआ है, गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जन्म यानी कि युग्मक निर्माण, गैमेट का निर्माण होना, सिंपल बात है, एकदम एकदम आसानी समझिए इसको। इसका दो टाइप होता है, एक को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, दूसरा को ओजेनेसिस, चार्ट भी बना दिए हैं। ठीक है, ये समझने के लिए आसानी होता है। अब दोनों का डायग्राम भी बना दिए हैं, ये है स्पर्म का डायग्राम, ये जो आप देख रहे हो ये जो डायग्राम है ये स्पर्म का डायग्राम यानी कि शुक्राणु का डायग्राम है। शुक्राणु का डायग्राम, शुक्राणु का फिगर चित्र जो होता है वो ऐसा होता है, और ओवम का जो चित्र होता है, ओवम का जो फिगर होता है वो ऐसा होता है, गोला, सर्कुलर, ठीक है, गोला आकार में। ये ओवम है, ये स्पर्म है, इसको शुक्राणु कहते हैं, इसको अंडाणु कहते हैं। अब इसमें तीन चार चीज नाम जो है वो इंडिकेट किया हुआ, दर्शाया हुआ है। ये जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग हेड कहते हैं, हेड यानी कि सिर। इसके बीच वाले यहां पर इस पार्ट को हम लोग नेक कहते हैं, गर्दन। ये जो बीच का पार्ट है इसको मिडिल पार्ट या मिडिल पीस कहते हैं, मतलब बीच का, है ना। और सबसे लास्ट में जो ये पूंछ जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग टेल कहते हैं। ठीक है, तो यही था आपका गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक निर्माण, युग्मक जनन। तो आज के इस वीडियो में हम समझे गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, इसका टाइप क्या क्या होता है, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस किसको कहते हैं, ओजेनेसिस किसको कहते हैं, ठीक है, और इसका डायग्राम समझे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।